महोली क्षेत्र में 12:15 पर घर घर पूजे गए भगवान श्री राम। आपको बता दें कि अयोध्या में 12:15 पर भगवान श्री राम के मंदिर बनने की प्रक्रिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जैसे ही शुरू की गई, वैसे ही महोली क्षेत्र के विभिन्न घरों में स्थापित भगवान श्री राम की पूजा अर्चना शुरू हो गई। मालूम हो कि 5 अगस्त दिन बुधवार को 492 वर्ष के इंतजार के बाद श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। इस शुभ घड़ी के अवसर पर महोली क्षेत्र के प्रत्येक घरों में पूजा अर्चना हुई एवं भगवान श्री राम की आरती गाई गई, तत्पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। जो आज का दिन है वो बहुत गौरवपूर्ण है हिंदुओं के लिए। आज 500 वर्ष बाद हम जिस लड़ाई को लड़ते आ रहे थे, जैसा कि भगवान श्री राम ने भी कहा था कि हमारी लड़ाई केवल एक रावण से नहीं है, हमारी लड़ाई अन्याय से की ओर से, न्याय की ओर से है, झूठ से सत्य की ओर है। वैसा ही आज हुआ कि 500 की लड़ाई में सत्य की विजय हुई और आज माननीय प्रधानमंत्री जी उस भव्य और हिंदू की पराकाष्ठा, जो हम कह सकते हैं एक आस्था का केंद्र, वहाँ की नींव की ईंट रख रहे हैं। तो आज वास्तव में गौरव का दिन। सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा, और बधाई केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, ये हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों के लिए है। उसका कारण है, श्री राम प्रभु किसी एक धर्म जात के नहीं है, वो पूरे आर्यवर्त, भारत देश को पूर्व में आर्यवर्त कहा जाता था, पूरे सनातन धर्म को क्या प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे आर्यवर्त के प्रतीक हैं वो, हम सबकी आस्था है। और श्री राम का कद अगर आप रामायण पढ़िए और भी ग्रंथें पढ़िए तो आप पाएंगे वो धर्म जात से बहुत ऊपर का, उनका जो रूप रहा है, उनकी जो उन्होंने कार्य किए हैं, हमेशा धर्म को लेकर और लोगों की रक्षा को लेकर दबे कुचलों और शोषित लोगों को जो उस समय पर थे, जैसा हम पढ़ते हैं ग्रंथों में, उनको उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। तो श्री राम प्रभु को किसी धर्म जाति उसमें बांधना बहुत छोटापन होगा। इसलिए मैं कहूँगा समस्त देशवासियों को, पूरे देश को, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, चूँकि श्री राम हिंदुस्तान की आस्था का प्रतीक है, किसी धर्म की आस्था का प्रतीक नहीं है।